नगर क्षेत्र में किन्नरों ने अपने साथ नाचने गाने वाले एक युवक का बेहोशी की हालत में प्राइवेट पार्ट कटवा दिया। पीड़ित किन्नर साथी ने शाहबाद कोतवाली में तहरीर दी। सीएससी से उसे हरदोई रेफर किया गया। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी निवासी मुशीर पुत्र रफी मोहल्ला की गिगियानी के रहने वाले किन्नरों के साथ नाचने गाने का काम करता था। बकौल मुशीर 14 फरवरी को वो किन्नर हिरनी नदीम और पलक के घर गिगियानी गया। बकौल मुशीर उसे बेहोश करने के बाद लोगों ने उसका प्राइवेट पार्ट कटवा दिया। 17 फरवरी को होश आने के बाद उसे इस बात का अंदाजा हुआ। मुशीर ने कोतवाली में हिरनी नदीम और पलक के खिलाफ बेहोश करके प्राइवेट पार्ट कटवाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस ने मुशीर को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सीएससी भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे हरदोई रेफर किया। पीड़ित मुशीर का कहना है, हिरनी नदीम और पलक ने किसी बात को बताने पर जान से मारने, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। जानकारी मिली है, पीड़ित युवक काफी दिनों से इन्हीं किन्नरों के साथ नाचने गाने का कार्य करता था। रजामंदी से ही उसे पूरी तरह से किन्नर बनाने का काम किया गया। परिजनों के कहने पर मुशीर द्वारा कोतवाली में तहरीर दी गई। किन्नर हिरनी ने अमृत विचार को बताया, मुशीर द्वारा लगाया गया अपराध निराधार, उसे अपनी मर्जी से प्राइवेट पार्ट कटवाया है, उसके साथियों को फंसाने की कोशिश की जा रही। एक व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट काटने की घटना सामने आ रही है सर, बताया जा रहा है कि किन्नरों ने उसका प्राइवेट पार्ट काट लिया है। ये शाहबाद थाने का ही घटना है और इस तरह का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें उस व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। अभी शाहबाद सीएससी से मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ, इन्होंने रेफर किया है इसको हरदोई के लिए, जिला चिकित्सालय के लिए। अभी पूरी मेडिकल परीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है और प्रार्थना पत्र के आधार पर, मेडिकल के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।